एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के सेक्टर 1 में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सैकड़ों श्रमिक इस उम्मीद से इलाज कराने आते हैं कि उन्हें बेहतर इलाज मिल सके, लेकिन यहाँ की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा CSR एक्टिविटी में डोनेट की गई लाखों रुपए कीमत की एक्सरे मशीन सालों से बंद पड़ी धूल खा रही है। कारण है, एक्सरे मशीन को चलाने वाला टेक्नीशियन अस्पताल के पास उपलब्ध नहीं है। देश दुनिया की जानी मानी दवाई कंपनी सिप्ला द्वारा एक्सरे मशीन करीब 2 वर्ष पूर्व डोनेट की गई थी, लेकिन आज दिनांक तक एक्सरे मशीन चलाने वाले टेक्नीशियन स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध नहीं करा पाया है। उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक घायल हो जाते हैं तो उन्हें एक्सरे के लिए किसी निजी अस्पताल में जाना पड़ता है या फिर पीथमपुर से करीब 10 किलोमीटर दूर महू जाना पड़ता है। स्वास्थ्य विभाग के इस लापरवाही का खामियाजा आम जनता, उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक भोग रहे हैं। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। बात करें तो पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र बहुत बड़ा है और यहाँ पर 1.5 से 2 साल हो गए हैं एक्सरे मशीन है, लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण है कि वो संचालित व्यवस्थित तरीके से जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, क्या रीज़न है? हमें सिप्ला फाउंडेशन द्वारा एक्सरे मशीन यहाँ पे डोनेट की गई थी। पूर्व में कुछ समय से हमारे पास में एक्सरे टेक्नीशियन उपलब्ध नहीं था। बहुत से बहुत 8-10 दिन में हम लोग उसकी व्यवस्था कर देंगे, उसके बाद में यहाँ पे एक्सरे मशीन सुचारू रूप से चालू होगा। इतना बड़ा क्षेत्र है और भी कई व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो क्या इतने बड़े क्षेत्र के हिसाब से इस हॉस्पिटल में लगभग सारी चीज़ें व्यवस्थित चल रही है? क्योंकि कई बार हमने मीडिया के माध्यम से अवगत कराया गया है, तो आप बीएमओ हैं, आपका क्या कहना है इस मामले? आपको ये बताने में मुझे खुशी हो रही है कि हमारे पीथमपुर अस्पताल को सामुदायिक अस्पताल का दर्जा प्राप्त हो चुका है। पहले ये L2 लेवल का अस्पताल था, अब इसे L3 लेवल का अस्पताल कर दिया गया है। आने वाले समय में यहाँ पे सीजेरियन सेक्शन, जिसमें सीजर सेक्शन से डिलीवरी जो होती है वो चालू होगी। इसके अलावा अन्य जटिल ऑपरेशन भी यहीं पे किए जाएंगे, जिसके लिए लोगों को यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। एवं आने वाले समय में डॉक्टरों की पोस्टिंग भी होगी यहाँ पे, जैसे एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, इन सब लोगों की व्यवस्थाएँ हो जाएंगी, तो लोगों को और भी सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी। पहले में और अभी में जैसे महिलाओं की अगर आपने बात की है कि डिलीवरी वाली महिलाएं, तो पहले क्या स्थिति थी और वर्तमान में क्या स्थिति है? पूर्व में हमारे यहाँ पे आज से अगर आप 2-3 साल पुरानी बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे 30-35-40 डिलीवरी के लगभग होती थी। हमारे यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट की पोस्टिंग हुई है, एवं यहाँ के जो प्रभारी हैं डॉक्टर रितु चोरे मैडम, उन लोगों की पोस्टिंग हुई है। इस वजह से हमारे यहाँ डिलीवरी भी बढ़ी है, एवं स्टाफ नर्स की भी, बहुत सारे स्टाफ नर्सों की भी पोस्टिंग हुई है। तो उसके कारण हम जो डिलीवरी का आंकड़ा अभी की बात करेंगे तो 80 से 100 डिलीवरी हम पर मंथ कर रहे हैं, और हम अन्य ये भी कोशिश कर रहे हैं कि 100 नहीं, इसे इतने हद तक पहुँचाएं कि हम लोगों क्या कि जो पीथमपुर एवं आसपास क्षेत्र की डिलीवरी है हम लोग उन्हें यही करें। अगर हम बात करें यहाँ पे स्टाफ को लेके, और भी क्या डॉक्टर उनकी आपकी यहाँ पे वर्तमान स्थिति और अब क्या आगे किस लेटर के माध्यम से आप कोशिश करना चाहें कि और मिले? डॉक्टरों की स्थिति है, डॉक्टर में थोड़ी सी डॉक्टरों की कमी है, तो डॉक्टरों के लिए हमने लिख भी दिया है, एवं शासन स्तर से अभी जो होने वाले प्रक्रिया है उसमें हमें डॉक्टर दिए गए, डॉक्टर चमनदीप सिंह अरोड़ा, BMO। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।